इंडियन प्रीमियर लीग की इतिहास की सबसे सफल टीमों में से मुंबई इंडियंस के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन शनिवार को इस लीग में अपना 100वां मैच खेलने उतरे थे। उनका यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ था। इसमें वो बल्ले से कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाए और 14 गेंदों में सिर्फ 20 रन ही बना पाए। बता दें कि ईशान को उनके 100वें मैच में जुर्माना का सामना करना पड़ा। बीसीसीआई ने मैच के दौरान आईपीएल के रूल्स और रेगुलेशन का उल्लंघन करने के मामले में ईशान को फटकार लगाई और उन पर मैच फीस का 10% जुर्माना भी लगाया है। बीसीसीआई ने अपने बयान में साफ कहा है कि किशन ने आईपीएल के आर्टिकल 2.2 के तहत 11(1) का अपराध किया है। उन्होंने अपराध स्वीकार भी कर लिया है और मैच रेफरी की मंजूरी स्वीकार कर ली है। कोड ऑफ कंडक्ट लेवल 1 के उल्लंघन के लिए मैच रेफरी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। बोर्ड ने आगे कहा कि ईशान किशन पर आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट आर्टिकल 2.2 के लेवल 1 के अपराध का आरोप लगाया गया है। इसमें क्रिकेट के मानदंडों के बाहर की कार्रवाई शामिल है, जिसमें विज्ञापन बोर्ड, बाउंड्री फेंस और अन्य फिक्स्चर को नुकसान पहुंचाने के साथ ही मैच के दौरान क्रिकेट उपकरणों का दुरुपयोग भी शामिल होता है। हालांकि बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज में साफ नहीं किया है कि ईशान किशन ने मैच के दौरान क्या गलती की थी, लेकिन ये स्पष्ट है कि इसमें आर्टिकल 2.2 का उल्लंघन शामिल है। बता दें कि ये जुर्माना खिलाड़ियों को खेल की इंटीग्रिटी को बनाए रखने में लीग द्वारा निर्धारित आचरण मानकों का पालन करने के लिए लगाया जाता है। चलिए आपको साफ तौर पर समझाते हैं आखिर इस मैच के दौरान हुआ क्या था। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में ईशान किशन ने आईपीएल करियर का 100वां मैच खेला था। उन्होंने 2016 में आईपीएल में अपना डेब्यू किया था। माना जा रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के दौरान ईशान किशन ने एक स्टंपिंग को प्रभावित किया जब उन्होंने अभिषेक पोरेल को मोहम्मद नबी की गेंद पर आउट करके पवेलियन भेजा था। इस मैच के दौरान तो मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन कुछ खास नहीं कर पाए। 14 गेंदों में 4 चौके की मदद से उन्होंने सिर्फ 20 रन बनाए। वहीं मुंबई को इस मैच में 10 रन से हार का सामना भी करना पड़ा। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए इस मैच में दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। ईशान किशन को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के दौरान आईपीएल का कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने का दोषी भी पाया गया और इसी वजह से उनके ऊपर बीसीसीआई की तरफ से जुर्माना लगाया गया। उनके ऊपर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच के दौरान दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई को 10 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 257 रनों का विशाल स्कोर बनाया था। जैक फ्रेजर मैकर्ग ने 27 गेंदों में 84 रन की पारी खेली। जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम ने तिलक वर्मा ने 32 गेंदों पर 63 रन के बावजूद 9 विकेट खोकर 247 रन ही बना पाई। इस जीत के साथ ही दिल्ली की टीम पॉइंट्स टेबल में 6ठे पायदान पर पहुंच चुकी है, जबकि मुंबई इंडियंस 9वें पायदान पर। पर देखना अब ये होगा कि इस फाइन से ईशान के क्रिकेट करियर पर क्या असर दिखता है। ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड खबरों को देखने के लिए बने रहे क्रिकेट केसरी पर। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।